सो अनबॉक्सिंग तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो अब चलते हैं गोप्रो को इसमें कैसे सेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों जगह पे प्रेस करेंगे और डोर को ओपन करेंगे। देन हमारे गोप्रो के साइड में जो अडाप्टर लगाने के लिए जो डोर होता है उसको ओपन करेंगे एंड इसमें फिर सेट करेंगे गोप्रो को अपना एंड डोर को फिर से लगा देंगे। ये है बेसिक स्टेप। और इसके साथ आता है लाइक एक एनडी फिल्टर का स्लॉट आता है और एक लाइक गोप्रो का लेंस कवर आता है ये और एक आई डोंट नो। तो ये ब्रैकेट एक्चुअली में है जस्ट लाइट वगैरह सब कुछ एक साथ में अटैच करने के लिए। बेसिकली इसको गोप्रो में भी यूज़ और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसे एक DSLR के साथ भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ ही काम करता है। जस्ट ये जो भी आपका नॉर्मल सा ट्राईपॉड है उसके अंदर लग जाता है। सो पहले तो मैंने बता ही दिया इसके बारे में सब कैसे सेटअप वगैरह करना पड़ेगा और अभी चलिए देखते हैं इसमें कैसे ट्राईपॉड को माउंट करना होगा। सो इसमें जो ट्राईपॉड माउंट है उस पे आप लोग नॉर्मल सा ट्राईपॉड लगा सकते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं मेरा गोप्रो के साथ और थोड़ा एक्सेसरीज लाइट और एक LCD स्क्रीन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा सेट करना चाहता हूँ तो आई थिंक ये ब्रैकेट बेस्ट रहेगा उलान जी का जो मेरे को इसके साथ ही मिला था। ये एक्चुअली में आता है इन सब एक्सेसरीज़ के साथ जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यार मैं V3 भी ले सकता था बट यार V3 के साथ ये सब चीज़ें एक साथ नहीं आता तो वो भी है इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि उलान जी ही ले लेता हूँ V2 Pro वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और आई थिंक ये आप सभी लोगों के बजट के अंदर है सो आप लोग इसे परचेस कर सकते हैं। अभी भी अमेजोन पे ये है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और प्लीज़ मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे कंटेंट देखने के लिए और ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो क्योंकि आप लोग बताओगे तभी मैं कंटेंट शेयर करूँगा जितना हो सकेगा मेरे से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।